हेलो स्टूडेंट्स आइए आज की हम वर्कशीट देख लेते हैं आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर वर्कशीट चौबीस ये इंग्लिश और एस एस टी की वर्कशीट है ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट की सैटरडे की वर्कशीट है ये तो इस वर्कशीट को देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट से बेनिफिट हो तो जल्दी से देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है तो बेसिकली आप ऑलरेडी वर्कशीट्स uh, कर चुके हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस uh, आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो अभी तक आपने स्टेटमेंट्स को क्वेश्चनस को रिक्वेस्ट को और ऑर्डर्स को जो डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए थे उनको आपने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया है तो ये जो वर्कशीट है ये उसी की कंटिन्यूएशन है उसी के रिवीजन के लिए है अगर आपको कुछ नहीं समझ आए आज की इस वर्कशीट में आज की इस वीडियो में तो आप पिछली जो वर्कशीट्स हमने की हैं ऑलरेडी उनको जाके जरूर सुनिए उन वीडियोस को जाके सुनिए और तब भी अगर आपको बिल्कुल समझना है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं तो आपको जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच में और उनको रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है लेकिन जो यहाँ पर गलतियाँ हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और फिर उन गलतियों को फिर ठीक करके यहाँ पर लिखा गया है तो आपका जो आज का क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है तो यहाँ पर आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से आपको तो ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है जो पहला सेंटेंस है फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है उसको आपको ठीक करना है कि क्या गलतियां है यहाँ पर और फिर आपको यहाँ पर उसे करेक्ट करके लिखना है तो जल्दी से देख लेते हैं कि आप क्या क्या करेक्शंस करेंगे उसमें तो पहला जो है आपका पहला है द डॉक्टर सेड वियरफुल स्लीव क्लोथ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में करेंगे तो उसमें क्या गलती है तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अः uh, आस्ट लिखा है तो इन्होंने इसको भी गलत यहाँ पर बताया गया है कि माई टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम तो इधर इन्होंने कहा है अगर हम लिखते हैं माई टीचर आस्ट एस टू सबमिट द वर्क इन टाइम तो आस्ट यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है एक तरह से ऑर्डर दे रही है तो ऑर्डर जब देते हैं आप याद करेंगे कि पिछली वर्कशीट में हमने कहा था हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जैसे कि ऑर्डर्ड या टोल्ड मी तो इस तरह से आप ऐसे ऑर्डर वाले जो है वर्ड्स यूज करेंगे तो लेकिन वही रिक्वेस्ट अगर कहीं पर कोई कर रहा है तो आप ऑर्डर जैसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे तो खैर तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या गलती है तो अगर मैं बोलू इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही फॉर्म होगा द डॉक्टर एज इट इज आएगा सेड की जगह इन्होंने लिखा है आस्ट किससे पूछा तो अस हमसे पूछा तो आपने अस लिख दिया यहाँ पर क्या करने के लिए पूछा टू वीर फुल स्लीव क्लोथ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन तो सारा यहाँ सेंटेंस ठीक है बस ये आस्ट गलत है तो यहाँ पर आप आस्ट जो है वो हाईलाइट करेंगे कि ये गलत है लेकिन अब आज की जगह क्या लिखेंगे तो आज की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड तो इधर आप लिख देंगे यहाँ पर टोल्ड सो दोल्ड अस टू और सजेस्टेड अस टू Wear full sleeve clothes during the monsoon season. ये आप यहाँ पर लिख देंगे आगे चलते हैं आपके अगले उस पर अगले में क्या लिखेंगे आप तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका mother said टू फादर इज द ड्रेन पाइप choked? तो यहाँ पर जो है मदर पूछ रही है आपको याद होगा हमने जो क्वेश्चन की वर्कशीट की थी उसमें ये बताया गया है कि जब ऐसे इज आता है यहाँ पर तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं आप इफ या वेदर लगाते हैं जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा है क्या यहाँ पर इफ और वेदर लगा है चलिए देख लेते हैं तो यहाँ लिखा गया है मदर आस्ट फादर दैट द ड्रेन पाइप इज चोक् तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा है तो यहाँ दैट जो है वो गलत है साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ गड़बड़ है तो हमने हमेशा कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास टेंस में होती है तो क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ चीज़ हो चुकी होती है कोई चीज़ हम डायरेक्टली बोल चुके होते हैं या कोई और डायरेक्टली बोल चुका होता है और उसके बाद हम किसी और को बता रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा या मैंने ऐसा कहा तो अब बाद में बता रहे हैं तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच पास टेंस में आती है तो इसलिए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जब ये इज लिखा है तो वो भी गलत है क्योंकि ये इस जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो ये दोनों आप हाईलाइट करेंगे और फिर आप करेक्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे तो करेक्ट सेंटेंस आप यहां पर लिखेंगे मैं आपको जल्दी से करके बता देती हूं तो करेक्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे मदर आस्ट फादर इफ इफ या वेदर आप यूज कर सकते हैं इफ द ड्रेन पाइप बॉस ठीक है और यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आप यहाँ पर बस आप फुल स्टॉप लगाएंगे और इफ तो ये आपका यहाँ पर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं पे तो कहता है, बीना आंटी ने मुझसे कहा कि ये लोग इतने सारे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है तो बीना आंटी आस्ट मी ठीक है ये तो ठीक है वाई आर पीपल फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विथ सो मेनी मैसेजेस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तीन गलतियां हैं पहली गलती है बिना आंटी आस्ट मी वाई वर तो अगेन मैंने कहा पास्ट टेंस यहाँ होना चाहिए पर आर तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो ये गड़बड़ है वाई वर पीपल फ्लडिंग हर व्हाट्सऐप विथ सो मेनी मैसेजेस और ये क्वेश्चन मार्क और इनवर्टेड कॉमा तो ये नहीं होना चाहिए तो मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ कि किसकी जगह क्या आ जाना चाहिए तो यहाँ पर ये एज इट इज सेम रहेगा आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा वर और फिर ये जो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा फुल स्टॉप तो यहाँ ये सारा पूरा लिखेंगे और फिर लगाएंगे आप फुल स्टॉप ऐसे बस एक सिंपल डॉट ठीक है फिर आगे चलते हैं एथ क्वेश्चन आपका है ईशू सेट टू मीशा प्लीज मेक अ पेपर बोट फॉर मी तो ईशू ने मीशा से कहा रिक्वेस्ट की तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज मेरे लिए एक कागज की नाव बना दीजिए एक पेपर बोट बना दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा तो पहली बात तो यहाँ पर एक गड़बड़ है ईशू टोल्ड मीशा तो यहाँ टोल्ड गड़बड़ है क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा प्यार से कीजिए तो ईशू आस्ट मीशा और रिक्वेस्टेड मीशा टू तो मेक अ पेपर बोट फॉर हर तो ठीक है ये पूरा ठीक है कि इशू ने मीशा से बोला कि प्लीज मेरे लिए एक पेपर बोर्ड बना दीजिए दीजिए हर लिखा है ये ठीक है क्योंकि मी की जगह यहाँ पर हर आएगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि ईशु ने ये कहा था कि उसके लिए तो उसके लिए यहाँ पर हर बन जाता है तो यहां पर आप टोल्ड जो है हाईलाइट करेंगे कि टोल्ड गलत है और टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा टोल्ड की जगह आ जाएगा ईशु रिक्वेस्टेड मीशा अगर आप रिक्वेस्टेड नहीं लिखना चाहते हैं तो आप आस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है ठीक है तो ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं लास्ट वाला चलते हैं मेघा सेट टू बिट्टू आई कैन हियर द water गर्गलिंग इन द पाइप मेघा ने बिट्टू से कहा कि मैं जो पानी है उसकी गर्गल की आवाज जो गड़गड़गड़ की आवाज जो है मैं पाइप में वो सुन सकती हूँ तो अब इसमें क्या क्या गड़बड़ है देख लेते हैं मेघा सेट टू बिट्टू दैट आई कुड हियर द वॉटर गर्गलिंग इन द पाइप आप देख सकते हैं कि ये हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप कहेंगे मेघा सेट टू बिट्टू दैट शी कुर द वॉटर गर्गलिंग इन द पाइप तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है बस तो आई की जगह यहाँ पर आ जाएगा शी बस यही है इसमें इस वाले सेंटेंस में एरर आप भी ध्यान से देखिए इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए इन सेंटेंसेस को पहले खुद करने की कोशिश कीजिए आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर इस वीडियो से आप चेक कीजिए कि आपने जो अटेम्प्ट किया था वो ठीक है कि नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ये कर चुके हैं वर्कशीट तो इस वर्कशीट में थोड़ा खुद करने की कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए कि आपको रिपोर्टेड स्पीच समझ आया है कि नहीं आया और अगर नहीं समझ आया है तो ये वीडियो देख आप समझ सकते हैं दोबारा से आप चेक कर सकते हैं और भी इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए क्या पता हमसे ही कोई गलती हो गई हो तो आप नोटिस कीजिए कहीं हमने तो कोई कुछ गलत तो नहीं लिख दिया कहीं तो इसलिए और ध्यान से लिख कर इस वर्कशीट को आप कीजिए अब चलते हैं आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर तो सोशल साइंस की वर्कशीट जो है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट वो आपकी इतिहास पर है हिस्ट्री की है वो तो हम ये वर्कशीट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे तो मैं पहले आपको हिंदी की वर्कशीट दिखा देती हूँ फिर हम इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ चलेंगे और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको आंसर बता दूंगी तो इसमें देख लेते हैं कि आ, क्या बताया गया है तो हम ऑलरेडी यहाँ पर रूसी क्रांति रशियन रेवोल्यूशन जो है उसका डिस्कशन कर रहे थे पार्ट वन जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्कशीट ट्वेंटी थ्री में ये पार्ट टू है भाग दो है ये वर्कशीट ट्वेंटी फोर में दिया गया तो रूस में समाजवाद का आना रूस में रशिया में रशिया में सोशलिज्म कैसे आया तो यहाँ पर देख लेते हैं 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों मजदूरों पेशेवरों आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया तो इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिस्टो यानी क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया गया तो 1871 में जो पेरिस कम्यून बना था तो फ्रांस के पेरिस नगर परिषद जो ये बना था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी यही वो मौका था जब लोग कामगार मजदूर पेशेवर लोग जो थे आम लोग जो थे कॉमन पीपल जो थे वो सब साथ आए थे कार्यकर्ता सब साथ में आए थे और इन्होंने जो है जबरन जन सरकार को अपने के रूप में कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ यही वो पॉइंट था जब सभी लोग सोशलिस्ट बनकर सोशलिज्म जो है समाजवाद जो है वो उभरा था और यहीं से जो मजदूरों को लाल झंडा था वो जो है वो वर्ल्डवाइड एक्सेप्ट कर लिया गया स्वीकार कर लिया गया कि हाँ अब ये झंडा जो है हमें वो रिप्रेजेंट करेगा तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि यही वो पहला मौका था जब सभी समाजवादी लोग साथ में आए थे और समाजवाद का जो है वो बीज बोया गया था फिर 1905 की क्रांति के द्वारा की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ तो हमने पिछली वर्कशीट में किया बात हुई थी कि 1905 का जो रशियन रेवोल्यूशन था मतलब वो मेन रेवोल्यूशन नहीं था मेन रेवोल्यूशन बाद में आया था 1917 के बाद आया था मेन उससे पहले नाइनटीन में एक इन्होंने रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रही थी वो अनसक्सेसफुल रही थी लेकिन फिर भी एक चीज़ तो जरूर हुई थी उस 1905 के रेवोल्यूशन में कि जो जार थे जो वहां के राजा थे जार निकलिस टू उन्होंने ड्यूमा बनाया था ड्यूमा हमारी बात हुई थी कि एक तरह से इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो साथ में मिलकर चुने गए कुछ लोग होंगे जो जार के साथ मिलकर राज राजा के साथ मिलकर जो है डिसीजन लेंगे तो ये ड्यूमा एक तो बन गई थी उसकी सहमति आ गई थी साथ ही साथ कुछ राजनीतिक अधिकार कुछ पॉलिटिक रा, पॉलिटिकल राइट्स भी जैसे कि वोट देने का अधिकार ये भी जो है इंट्रोड्यूस हो गया था जनता के बीच फिर क्या हुआ फिर जापान से पराजय सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी तो वैसे तो 1905 के बाद वहां के बाद जो अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन था उसके बाद भी जार ने कोशिश तो की कि हाँ ठीक है लोगों में बहुत असंतोष है तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करता हूँ वो कोशिश तो की लेकिन ये कोशिश जो है नाकाम रही क्यों क्योंकि साथ ही साथ नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई थी और नाइनटीन तीन तक तो ये इन तीन चार सालों में इतना बुरा हाल हो गया था रशिया का और वो जापान से हार गया था जापान से पराजय हो गई थी साथ ही साथ आर्मी में बहुत ही क्योस हो गया था बहुत ही असंतोष अराजकता फैल गई थी और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था प्रशासन जो था वो बहुत ही भ्रष्ट था बहुत ही करप्ट था तो इन सब रीजंस की वजह से लोगों में कॉमन पीपल में आम जनता में बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन भारी असंतोष फैल गया था तो 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा तो जार निकलस टू ने ड्यूमा तो बना दी लेकिन वो हुआ ये कि सरकार के बीच में और राजा के बीच में बहुत ही खींचतान होती रही बहुत ही ज्यादा विवाद होते रहे बहुत ही लड़ाई झगड़े होते रहे इससे ड्यूमा और सरकार दोनों ही कमजोर हो गए तो इतने झगड़े इतना करप्शन फैल चुका था कि कोई भी बेसिकली काम का नहीं रहा तो 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया तो हुआ यह कि फिर 1912 में चौथी ड्यूमा में फाइनली वर्ल्ड वॉर वन में विश्व युद्ध में रशिया भी एंटर किया और जब रशिया ने एंटर किया तो फिर वो हार गया वो जापान से हार गया और इससे ये कि धीरे-धीरे रशियन गवर्नमेंट का सेना पर से भी नियंत्रण कम हो गया अब आगे क्या हुआ फिर मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया ऐसे माहौल में समाजवादी कामगर पार्टी के बोल्शेविकों यानी बहुमतों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया जबकि मौनशेविक अल्पमत वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे तो अब हुआ ये कि बहुत ही बुरा हाल था रशिया में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था जितना भी पैसा था खाना था वो आर्मी में जा रहा था और आर्मी बेचारी वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी और वर्ल्ड वॉर में उनकी रशिया की बहुत बड़ी हार हो चुकी थी तो हर जगह अराजकता फैली थी भ्रष्ट सभी लोग भ्रष्ट हो चुके थे तो भ्रष्ट सरकार हो चुकी थी तो हर हर जगह जो है बहुत ही कॉस हो गया था बहुत ही लोग परेशान थे तो 1917 में मार्च 1917 1917 में इतनी जनता भूख से बदहाल हो गई थी कि फिर पेट्रोग्राइड नाम की जो जगह थी वहाँ पर वो अनियंत्रित हो गई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहाँ पर वो लूटपाट मचाने लगी क्योंकि इतने भूख से वो बदहाल थे तो जब सेना को बुलाया गया कि भैया देखो ये कैसे यहां पर क्रिएट कर रही है जनता तो जब लोगों को बुलाया गया सेना को बुलाया गया गोली चलाने के लिए तो सेना ने भी मना कर दिया सेना ने कहा हम कैसे चलाए इन पर गोली जहां हमें पता है कि इनको बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं है तो अभी लड़ेंगे नहीं लूट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे अपना पेट ही तो भर रहे हैं तो सेना ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया अब इस पूरी सिचुएशन में ये हुआ कि जो बहुमत लोग थे हमने ये पिछली वर्कशीट में किया है बॉल जो थे बहुमत जो लोग थे उन्होंने फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया तो वो जो है मेजोरिटी जो है वो फटाफट से जाके उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया अब दिक्कत उससे ये हुई कि जो अल्पमत वाले लोग थे मॉन्शेविक जो थे वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधार और संसदीय चुनाव चाहते थे वो ये वो ये नहीं चाहते थे कि सारे में क्योस हो जाए वो ये नहीं चाहते थे कि सडनली हमारे हाथ में सब कुछ आ जाए वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे जो है हम पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स लाएं राजनीतिक सुधार लाए चुनाव हों लोग अपने मत दें और उसके बार decisions हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो थे, थे वो चाहते थे कि immediately उन्हें सत्ता पर कब्जा मिल जाए तो इस तरह से बॉल और मानसेविक जो थे बहुमत और अल्पमत वाले लोग जो थे उनके बीच में जो है मतभेद हो गए थे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इस पे क्वेश्चन भी है तो ध्यान से सुनिएगा फिर हड़तालें विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने शासन त्याग दिया तो हर जगह जो है क्योस फैल गया था हड़ताल होने लगी प्रदर्शन होने लगा सेना ने भी विद्रोह कर दिया तो इस बीच जो है जार निकलेस टू ने शासन अपना त्याग दिया उन्होंने कहा बस हो गया मुझे अब नहीं हो रहा है फिर कौन आया फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर आए वो थे लेनिन तो लेनिन ने मार्क्स और एंगल्स के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों मजदूरों व किसानों के सर, वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया तो लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे रशियन रेवोल्यूशन के वो मार्क्स और एंगल्स जो थे उनके जो विचार थे उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जो है किसानों के मजदूरों के इन सब का जो है ये जो वर्ग था उन पर उनका ये शासन पर नियंत्रण करने का उन्होंने विचार किया उन्होंने कहा ये जो कॉमन पीपल है आम लोग जो है आम आदमी जो है उनको राज करना चाहिए विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की तो पहली बार जो है मार्क्स के जो आइडियल्स थे जो उनके प्रिंसिपल्स थे जो सिद्धांत थे उनको जो है लेनिन ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और जो राजनीतिक सत्ता उसने स्थापित की वो उन्होंने इन्हीं लोगों की ये जो लोग थे कामगार मजदूर और किसान जो थे इनको रिप्रेजेंट करते हुए उसने क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर थे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थिंकर थे वो पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट थे वो तो लेनिन, 1917 से 1924 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन के भी प्रमुख रहे हैं तो लेनिन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जल्दी से देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस कौन से हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम पेरिस कम्यून नगर परिषद का क्या महत्व है तो मैं ऑलरेडी आपको वर्कशीट में समझा चुकी हूं तो ये वाला जो है ये आपका आंसर है तो चाहे तो आप इसे अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर समझ आया वो आपका आंसर वन हो जाएगा कि कैसे पेरिस नगर परिषद कैसे पेरिस कम्यून जो था वो इम्पोर्टेंट था फिर प्रश्न दो है आपका 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए तो मैं बात कर चुकी हूँ कि वैसे तो 1905 का ये जो रेवोल्यूशन था ये जो क्रांति थी वैसे तो असफल थी लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस थे जो आए थे वो थे ये 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति और साथ ही साथ लोगों को वोट का अधिकार मिल गया तो ये आपका उत्तर दो है फिर चलते हैं प्रश्न तीन पर प्रश्न तीन आपका कहता है बॉल शिवकों और मौन शिवकों के बीच क्या मतभेद थे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इन दोनों के बीच में यही मतभेद है ये वाला जो आपका पॉइंट है ये पूरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बॉल्सिविको और के बीच क्या मतभेद थे मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है लास्ट क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है ये भी मैं डिस्कस अभी कर चुकी हूँ ये वाला जो ये पूरा पॉइंट है ये आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेनिन का क्या योगदान है अब आपकी इंग्लिश में जो ये वर्कशीट है वो भी देख लेते हैं जल्दी से तो इंग्लिश में ये जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है ये आप मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर और फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट पेरिस कम्यून तो अगेन इसका आंसर भी यही है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कोई भी डाउट है तो फिर भी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो ये आपका आंसर वन है फिर क्वेश्चन mm. टू आपका कहता है कि

धीरे धीरे राजनीतिक रिफॉर्म आए संशोधन आए और पार्टिसिपेशन चाह रहे थे वो इलेक्शन में लेकिन बॉलशिविक चाह रहे थे कि सोशलिस्ट वर्कर्स जो है वो पूरी तरह से पार्टी की पावर ले लें लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन ये जो लास्ट पॉइंट है आपका ये आप यहाँ पर लिखेंगे की लेन वॉज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिकल थिंकर और ये पूरा जो है पैराग्राफ आप लेनिन के ऊपर जो है ये यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे उम्मीद करते हैं आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी मैंने बार बार कहा है कि कोई भी अगर आपको दिक्कत है डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए और पहले ये आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये वाली वर्कशीट जो थी इजी वर्कशीट थी लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं और उस उसके बाद फिर वीडियो देखिए और अपने आंसर जो है क्रॉस चेक कीजिए अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए आगे भी इन वर्कशीट्स को आप बढ़ाते रहिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए थैंक यू